इस लॉकडाउन में जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उसके सामने नए नए योजना लाया जा रहा है। आपको पता होगा, आंगनबाड़ी में 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पका भोजन और गर्भवती महिला को सूखा भोजन मेन्यू के आधार पर मिलता था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण यह लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार ने अब तय किया है, उसके बदले में लाभार्थी के डायरेक्ट खाता में पैसा भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डी शर्मा और आपका स्वागत है अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी में। आपको हम बताएंगे इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वेलकम टू डीएस स्टडी बाय डी शर्मा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको एक अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना है और उसमें टाइप करना है medha.soft.bih.nic और उसके बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट लिंक जो आया है ई कल्याण, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल रहा है। आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट पेज में क्या करना पड़ेगा। पेज खुल चुका है, आपके सामने ऊपर जो रेड से लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल रहा है। नेक्स्ट पेज खुल चुका है आपके सामने और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दो लिंक दिया गया है, एक यहाँ पर कार्यालय उद्देश्य के लिए और यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर नहीं क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल चुका है, समाज कल्याण विभाग। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस जगह देख लीजिए, प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। उसमें क्या करना है हम आपको पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अभी खुल रहा है पेज, खुलने दीजिए। और ये आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल चुका है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप कर लीजिएगा क्या, मोबाइल में आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम भी डेस्कटॉप मोड कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिला को सेलेक्ट करना है। चलिए तो हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिला को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, जिला को सेलेक्ट करना है। उसके बाद परियोजना सेलेक्ट करना है, उसके बाद पंचायत और उसके बाद आंगनवाड़ी। हम इतना इंटर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का स्टेप बता रहे हैं। तब तक हम वीडियो को स्किप कर रहे हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर समस्तीपुर, परियोजना का नाम रोसरा, पंचायत उसके बाद आंगनवाड़ी, ये सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे सबसे पहले हम आपको एक बात बतला दें कि मार्क्स वाले डेटा भरना अनिवार्य है। स्टार्ट से जो मार्क्स किया गया है उसको अनिवार्य ही भरना है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जिसमें आपको स्टार नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद आपको हम बता रहे हैं क्या भरना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर पति का नाम आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड में जैसा है स्पेलिंग उसी तरह आपको भरना है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, नीचे आपको पत्नी का नाम भरना है आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड में जैसे है उसी तरह आपको भरना है। उसके बाद नीचे आपको श्रेणी, किस श्रेणी से आते हैं वो भरना है। उसके बाद आधार नंबर किनका है, जिसका भी आधार कार्ड आप डालिएगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आधार नंबर, चलिए हम इतना इंटर कर लेते हैं। इसके लिए तब तक हम वीडियो को स्किप कर देते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। ये सब डिटेल्स हम इंटर कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आधार कार्ड
सर्वर सत्यापन करें। यहाँ पर आपको क्लिक करके सत्यापन करना है। सत्यापन जब हो जाएगा तो आपको ब्लू कलर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम भी कर लेते हैं, सत्यापन हो रहा है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड नीला हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखिएगा आधार कार्ड जब सत्यापन नहीं होगा तो यहाँ पर करिएगा क्या, इंग्लिश में नाम लिख दीजिएगा अगर हिंदी में एक्सेप्ट नहीं ले रहा है तो। चलिए अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर देखिए इस जगह आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक खाता किसके नाम से है, पति या पत्नी जी होगा वो आप इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद IFSC कोड बैंक का, खाता नंबर, और उसके बाद बैंक खाता फिर एक बार आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद 4 अंक का आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको 2 बार डालना है। चलिए इतना हम कर लेते हैं, तब तक हम वीडियो को स्किप कर रहे हैं। चलिए इतना इंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी का विवरण। यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है, लाभार्थी का नाम, लाभ लेने वाला कौन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर बच्चा है जो आंगनबाड़ी जा रहा है वो, या स्तनपान कराने वाली महिला, या गर्भवती महिला, जो है इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर हम बच्चे में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको बच्चे का नाम, इसको आप इंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे नहीं, यहाँ पर जन्म इसका कब हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लड़का है या लड़की, अगर आपका बच्चा 1 से अधिक है तो आप यहाँ पर क्लिक करके जोड़ भी सकते हैं। इस जगह लाभार्थी जोड़े, यहाँ पर क्लिक करके आप जोड़ भी सकते हैं। अगर 1 ही है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, इस जगह पर लिखा हुआ है लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़ा है या नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो लिखिए हाँ, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो नो। चलिए हम यहाँ पर इसको यस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, घोषणा। घोषणा में आपको यहाँ पर यस कर देना है, इस जगह टिक। चलिए हम भी कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको कैप्चा इंटर करना। कैप्चा जिस प्रकार से जैसे दिया गया है उसी प्रकार से आपको इंटर करना पड़ेगा। अगर डिजिट है तो डिजिट देना पड़ेगा, लेटर है तो लेटर देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा भी अगर गलती हो रहा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए हम भी यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर रजिस्टर करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कैप्चा इंटर होने के बाद आप देख पा रहे हैं फॉर्म ऑनलाइन सक्सेस हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है आंगनबाड़ी लाभार्थी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत कर दिया गया है। आधार संख्या, नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर सब यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।